रामलल्लू बेस ने क्षेत्र की दो नवीन विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। स्थानीय लोगों की मांग पर शीघ्र पहल करते हुए विधायक रामलल्लू बेस द्वारा निर्माण कराया गया। अब इन छात्र छात्राओं व शिक्षकों को पठन पाठन में राहत मिलेगी। विधायक रामलल्लू बेस ने सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के तियरा में शासकीय हाई स्कूल जिसकी लागत 86,70,000 एवं चरगोड़ा शासकीय हाई स्कूल जिसकी लागत 86,10,000 से निर्मित स्कूल भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी गुणवत्ता का भवन तैयार किया गया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्थानीय समाज सेवी मेघनाथ बेस, चित्रकूट बेस, पवन बेस, पूर्व सरपंच अंबिका विश्वकर्मा, विधायक प्रतिनिधि रामरथ चौरसिया, संविदाकार संजय ताम्रकार एवं विद्यालय के प्राचार्य की मौजूदगी में विधायक वैश्य ने विधिवत पूजन परांत फीता काटकर नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं पीडब्ल्यूडी के एसडीओ तेजस्वी शुक्ला, सब इंजीनियर संजय श्रीवास्तव एवं स्थानीय ग्रामवासी मौजूद रहे। विधायक जी, तिहरा मंडल पे कल दो विद्यालय का आपके द्वारा वहाँ पे ओपनिंग किया गया है, क्या कहेंगे उस सारे संबंध में? तिहरा मंडल में बहुत दिनों से हाई स्कूल भवन नहीं था, बच्चों को पढ़ने लिखने में काफ़ी कठिनाई होती थी, जिसको पिछले साल स्वीकृत हुआ था राशि 86,70,000 का तियरा में, और उतना ही का राशि का लगभग चरगोड़ा में बन के पूर्ण हो गया था, जिसको कल हमने उसको लोकार्पित किया और शिक्षा विभाग को समर्पित किया कि अब बच्चे यहाँ अपने विद्यालय में आकर पढ़ सकते हैं। आगे का क्या प्रोजेक्ट है और कितने विद्यालयों को आप लोगों ने आपने मांग रखी हुई है, कहाँ कहाँ के लिए? अभी मुरगुनिया में उतने ही राशि की 86,00,000 से ऊपर की लगभग बन रहा है। सर, सरई थाना क्षेत्र में गांजे की खेती करते पकड़े गए हैं, तो सर क्या कुछ मामला है? ये पूरे जिले भर में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है अवैध मादक पदार्थों के धरपकड़ के संबंध में, और इसी अभियान के तहत थाना सरई क्षेत्र में भी मुखबिर सक्रिय किए गए थे। मुखबिर की सूचना मिली थी कि गजरा बहरा के पास एक आदमी अपने घर से लगे अरहर के खेत में गांजा की खेती किया हुआ है, और सूचना की तस्दीक कर थाने से सशक्त टीम बनाई जा करके रेड कार्रवाई कराई गई, तो मौके पे रघुनाथ पिता जगजीवन सिंह 24 साल निवासी रखरा वगैरह का व्यक्ति था, जो अपने घर के बगल से लगे अरहर के खेत में गांजा की खेती किए हुए था। करीब 30 पेड़ गांजे के बरामद किए गए हैं, उनका वजन लगभग 16 किलोग्राम है, अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख की है, और विधिवत कार्रवाई की जा करके उसकी सबकी मौके पर जब्ती की गई है और आरोपी को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में पेश किया जा रहा है। आगे भी अवैध मादक पदार्थों के संबंध में सूचनाएं लगाई गई हैं और उसके पालन में रेड कार्रवाई किया जा करके इस धंधे को यहाँ फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। इस कार्रवाई में हमारे यहाँ सहायक उप निरीक्षक एस के दुबे, संपत्ति तिवारी, प्रधान अक्षक माने खान, आशीष राजेश, वंशवालेश, इन आरक्षकों का प्रमुख योगदान रहा है, और इस कार्रवाई के लिए इनको उचित पारितोषिक से भी पुरस्कृत करा के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।